हे व्हाट इज अप पीपल ऑन द साइड। आज इस वीडियो में हम करने वाले जो मैंने लास्ट जी फाड ऐप वाले वीडियो में बताया था लास्ट जी फाड ऐप वाले वीडियो में बताया था कि कैसे तुम कीवी ब्राउजर का यूज करके क्रोम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। और क्रोम एक्सटेंशन एक आता है वा इनकॉग्निटो करके, जिससे हम अपने व्हाट्सएप पे एक फीचर लेके आ सकते हैं जिससे कि कोई भी बंदा मैसेज भेज के डिलीट फॉर एवरीवन कर ले, ठीक है, फोटो वीडियो कुछ भी, मैसेज ऑडियो, उसके बाद भी तुम सो रहे हो उस टाइम पे, ठीक है, या तुम नहा रहे हो या तुम हो ही नहीं पाए, इंटरनेट की दुनिया में नहीं हो, और तुम लौट के जब आओगे तो तब भी तुम उसको देख पाओगे या सुन पाओगे या चला पाओगे वीडियो। तो ये मैंने जब बताया तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया कैसे करना है ये, तो मैं फिर से बताऊंगा। अब मैं अनकट बताने वाला हूँ, ठीक है, और उसके अलावा दो और बहुत कूल चीजें करेंगे, और ये सब हम करेंगे असली व्हाट्सएप में, टीवी व्हाट्सएप में ना बीवी व्हाट्सएप में, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि ये सब तो इसमें भी हो जाता है, तो हो जाता है बट वो सेफ नहीं है क्योंकि उसका अकाउंट बैन का इशू रहता है। तो हम असली व्हाट्सएप में करेंगे जो जुक्कू ने खुद बनाया अपनी रसोई में, ठीक है, जो फेसबुक का सरपंच है। और इसके बाद मैंने उस वीडियो में एक चीज़ और बताई थी कि कैसे तुम यूट्यूब वीडियोस को ऐसे नीचे छोटा सा डब्बे में चला सकते हो और साइड में फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो उस पर भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये तो यूट्यूब भैंसर से भी हो जाता है, तो यूट्यूब भैंसर से हो जाता है बट वो भी सेफ नहीं है ना भाई, क्योंकि उसमें हमारी प्राइवेसी का क्या सीन है, वो किसी एक बंदे ने बनाया, कंपनी ने नहीं बनाया, तो उसमें तुम अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, बहुत ही अनसेफ है वो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है अगर तुम्हें ये करना है और प्राइवेसी बचानी है, कि तुम एक VPN यूज़ करो। मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ, सर्फशार्क नाम है VPN का, उससे तुम ये फीचर तो लेके आ ही सकते हो अपने यूट्यूब ऐप पे, US सर्वर पे कनेक्ट करके, और तुम्हारी प्राइवेसी को भी कोई खतरा नहीं है, इंटरनेट पे सिक्योर रहोगे, और बहुत सारे और भी उसमें यूजफुल फीचर्स हैं। जो टारगेटेड एड्स होती हैं उनसे तुम्हें ये बचाता है। अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हो फ्लिपकार्ट से Amazon से, तो ये तुमको सीक्रेट कूपन्स लाके देता है जिससे तुम अप टू 50% तक ऑफ ले सकते हो। और एक काफी कूल चीज है इसमें कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कुछ शोज होते हैं जो कि बाहर के देशों में अवेलेबल है बट इंडिया में नहीं है, जैसे एक शो है द ऑफिस करके जो कि Netflix इंडिया में नहीं है, बट मैं अपनी लोकेशन चेंज करके सर्फशार्क के थ्रू उसे इंडिया में यहाँ बैठ के Netflix पे स्ट्रीम कर सकता हूँ आराम से। तो मतलब काफी यूजफुल है और टॉप 3 VPN में ही आता है। और अगर यूज करने के बाद तुम्हें यूजफुल नहीं लग रहा है तो तुम पैसे वापस ले सकते हो 30 दिन के अंदर, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता सा ही है। बाकी मैंने और सस्ता करवा दिया है तुम्हारे लिए, जुगाड़ लगवा के, मेरा नाम बेसिकली कूपन अप्लाई कर देना नमन ऐप पे, तो तुम्हें 83% फ्लैट 83% तुरंत ऑफ मिल जाएगा। बाकी मैंने नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके तुम इसको अभी ट्राई कर सकते हो। तो अब सबसे पहले अपने को लॉगिन करना होगा व्हाट्सएप को कीवी ब्राउजर में सेम फोन में, ठीक है। इसके लिए अपने को एक एक्स्ट्रा फोन चाहिए होगा, 30 सेकंड के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, कोई भी मम्मी का पापा का ला सकते हो, एक फोन तो होगा एक्स्ट्रा यार, मतलब बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो मैं दिखा रहा हूँ ना वो तुमको सेम टू सेम टीपना है, और सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि जो QR कोड है वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है, तो आदत होगी इनकॉग्निटो टैब वालों को तो तेज हाथ चलाने की। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लॉगिन कैसे करना है उसके बाद जाल बिछाएंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप है और इस फोन में सेम व्हाट्सएप को अपने को वापस से लॉगिन करना है कीवी ब्राउजर में। तो उसके लिए हम जाएंगे कीवी में, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद जाना है web.whatsapp.com पे, और यहाँ पे जैसे ही QR कोड आता है ना भाई उसका स्क्रीनशॉट लेना है और बैक आके इस साइड वाले फोन में अपने को उसको सेंड करना है, और यहाँ पे जैसे ही आ जाता है डाउनलोड करना है, खोलना है, और उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, ऊपर 3 डॉट्स में अपने को जाना है लिंक्ड डिवाइसेस में, लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है और स्कैन करके भाई अपने को इसको जल्दी से स्कैन कर देना है। अगर तुमने ये सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया होगा तो तुम देख पाओगे कि कीवी ब्राउजर में यानी कि सेम फोन में तुम्हारा सेम व्हाट्सएप लॉग इन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लॉग इन हो चुका है सेम फोन में, ठीक है, 2 बार व्हाट्सएप। अब ये फोन जिसका भी है उसको वापस दे सकते हो अगर चाहो तो। अब उसके बाद अपने को जाल बिछाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पे अपने को जाना है वेब स्टोर में, क्रोम ये लिंक है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, इस पे जाना है, ये वाला पेज तुम्हारे सामने खुल जाएगा, तो इसको यहाँ पे तुम्हें ऐड टू क्रोम करना है, ओके दबाना है। उसके बाद जैसे ये ऐड हो जाता है ऊपर 3 डॉट्स पे जाओगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पे क्लिक करोगे तो वापस से web.whatsapp.com खुद से खुल जाएगा, और अब जब ये खुलेगा तो यहाँ पे एक नया आइकॉन आ जाएगा, तुम देख सकते हो, इसमें तुम्हें सेव डिलीटेड मैसेजेस इसको टिक करना है, उसके बाद भाई सक्सेसफुली जाल अपन ने बिछा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको उड़ा देता हूँ, रीसेंट ऐप से कीवी उड़ा दिया, ठीक है, व्हाट्सएप भी उड़ा दिया और वाईफाई अपना बंद कर दिया, भाई मैं तो सो गया यार, खराटे ले रहा हूँ मैं तो, ठीक है, और पीछे से मुझे किसी ने कुछ मैसेज सेंड किया और मान लो कि एक फोटो भी सेंड की और एक वीडियो भी सेंड किया और इवन एक ऑडियो भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मुझे सिंगल टिक आ रहा है क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ ना भाई खराटे मार के। अब मान लो इसने पीछे से रातों रात ही ये मैसेज जो है वो डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। अब मैं सुबह उठूंगा, अपना वाईफाई ऑन करूंगा, और जैसे मैं वाईफाई ऑन करूंगा तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आएंगे, सुबह आती हैं। अब मैं जाऊंगा अपने नॉर्मल व्हाट्सएप में और यहाँ पे देखूंगा कि ये कौन बंदा है भाई, रात को इसने 4 मैसेज डिलीट कर दिए बेच के,
तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा अपने कीवी ब्राउजर में। और ये रीसेंट ऐप में भी नहीं था, ठीक है, कीवी ब्राउजर रीसेंट ऐप में भी नहीं था, उसके बाद भी यहाँ पे खुद से लॉग इन हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। और जैसे ही दोस्तों ये लॉग इन हो जाता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो चारों मैसेज जो कि असली व्हाट्सएप में नहीं दिखा रहा है लेकिन कीवी में, जो कि रीसेंट ऐप में भी नहीं था, वो दिखा रहा है रेड कलर से क्योंकि इसने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको हाई क्वालिटी में देख सकता हूँ, आराम से ऑडियो चला सकता हूँ। बेसिकली तुमको कीवी में व्हाट्सएप चलाने की जरूरत भी नहीं है, तुम नॉर्मल जो असली व्हाट्सएप है वहीं चलाओ, लेकिन जब मैसेज पढ़ने और डिलीटेड सिर्फ तब तुम यहाँ पे आ सकते हो। और बिल्कुल ऐसे ही एक और बहुत ही कूल एक्सटेंशन है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, नीचे लिंक दे दूंगा, उसको भी ऐड टू क्रोम ही करना है जैसे पहले कहता अपन ने। उसके बाद उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट जो सबसे अमेजिंग है वो ये है कि जो चैट्स होंगे ना तुम्हारी वो ब्लर रहेंगी, ठीक है, जो मतलब डीपी है या जो नाम है उसका बंदे का या जो मैसेज आया हुआ है वो ब्लर रहेगा। वो सिर्फ मतलब जैसे तुम मान लो मेट्रो में हो, ठीक है, या फिर किसी की शादी में गए हो और वहाँ पे खुद की भी सेटिंग कर रहे हो चैटिंग करके व्हाट्सअप पे, तो साइड में ऐसे कोई देखने की कोशिश करते हैं ना लोग ऐसे, तो वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि सब कुछ तो ब्लर होगा। वो सिर्फ तभी क्लियर होगा जब तुम उस पर उंगली टच करोगे, जिस जगह पे करोगे ना वो पार्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी सब ब्लर रहेगा। तो मतलब निगाहों से बचने के लिए, मैं शब्द भूल गया था, निगाहों से बचने के लिए ये काफ़ी एक यूज़फुल चीज़ है। एक और इसमें तुम कर सकते हो कि ऑनलाइन नीचे लिखा था ना वो अपनी मर्जी से दिखा सकते हो, ठीक है, मतलब टिक करोगे तो वो हट जाएगा और हटा दोगे तो वो दिखेगा, मतलब ऑनलाइन तुम रहोगे लेकिन वो दिखेगा तुम्हारी मर्जी से, ठीक है, उनको शहंशाह बनाने की ये कोशिश है। बाकी तो गाइज यही था आज का वीडियो, ऐसे रैंडमली शूट किया तुमको बताने के लिए ये सब कैसे करते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो प्लीज़ यार नीचे लाइक फेंक देना, कमेंट छोड़ देना, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ में और दोस्तनी के साथ में भी। ये मत सोचना कि क्यों बताएं उनको, अपने तक रखते हैं, बता दो भाई अपने दोस्त हैं। बाकी मेरा थोड़ा पहली बार देख रहे हो तो इस थोपड़े पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा पीछा कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये यूज़र नेम है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, मिल ही रहना, मिलते रहेंगे भाई, चलो बाय। तो एक मार रहा हूं।